हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ईके पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो अभी सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट पेपर हुआ था क्लास 12 आईपी का, उसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, और उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप उसे कर सकते हैं फॉर दी सेशन 2021-22 MCQs के लिए। यहाँ भी आपको काफ़ी क्वेश्चन MCQ के मिल जाते हैं, तो अगर इस पेपर में भी आप ध्यान देंगे तो मेरा मतलब है कि अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट पेपर दिया था उनके लिए ये एक तरह का सॉल्यूशन है, वो अपना टैली कर सकते हैं कि हाउ मच पोर्शन एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव डन करेक्टली and how many marks they are going to get in the improvement exam 2021. I think it was held in the month of August. So, वो पेपर आपके सामने है। किसी स्टूडेंट से मैंने ये पेपर मंगवाया था, तो पेपर आपके सामने ये है। आइए करते हैं एक एक करके। यहाँ पर instructions part B से लिखी हुई है। वैसे हर पार्ट में इंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 21, एक से लिख की 21 तक जो क्वेश्चन है इसमें से केवल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कौन से करने हैं आपकी चॉइस है, और ये MCQs हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यू वर नॉट एबल टू क्रिएट द IP प्रोजेक्ट, देयरफॉर यू डाउनलोड अ प्रोजेक्ट from the internet and submitted it to the to your teacher by your name. This wrong unethical act is considered as copyright, hacking, plagiarism, trademark. Obviously C part is ka plagiarism, so C part is the correct answer. ठीक है, पहले का part C हो गया आपका। वैसे ये लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, मैं इसे आपको सॉल्व करके और अटैच कर दूंगा इसके साथ सॉल्यूशन, इस वीडियो के साथ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया प्लेगरिज्म, ये आपका करेक्ट आंसर है। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, प्लेगरिज्म। ठीक है, और इसमें अगर हम कोई सिंबल बना सकें तो आपके लिए मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ, ड्रॉ कनेक्टेड लाइंस, या इसको मैं रेक्टेंगल से घेर देता हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन विच पाइथन पैकेज इज यूज्ड फॉर 2D ग्राफ, 2D ग्राफिक्स के लिए कौन सा पाइथन पैकेज आप इस्तेमाल करते हैं? मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, पाइप्लॉट डॉट लिब, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई, मैटप्लॉटलिब डॉट PLT। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका ए पार्ट सही होना चाहिए, तो ए पार्ट आप सही कर सकते हैं। बच्चे ने जिसका पेपर है उसने ए पार्ट मार्क भी किया हुआ है, अच्छी बात है। तीसरा देखें, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड, इस SQL कमांड का आपको आउटपुट देना है। सेलेक्ट राउंड, इसको मैं थोड़ा व्यू बड़ा कर लेता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आउटपुट बताना है सेलेक्ट 3456.885, -2 का मतलब होता है हंड्रेड्स प्लेस बिफोर डेसिमल, -1 होता है टेंथ प्लेस, -2 होता है हंड्रेड प्लेस, यानी 456 को आप किस में राउंड अप करेंगे। 456 विल बी राउंडेड अप इनटू 500 और 400, तो ऑब्वियसली ये 500 में राउंड अप होगा, इसका आंसर होगा 3500, ये आपका आंसर सही है। चलिए अगला कर लेते हैं।
What will be the output of the following program? इसका output क्या होगा? X equal to 6 दिया हुआ है, S1 equal to PD dot series, X, X की ये value आ गई, index 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 6 index दिए गए हैं, print S1, तो obviously इन 6 के 6 index में आपका हर element 6 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर B, C, D, आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है क्योंकि पहले ये 1, 2, 4, 6, 8, 9 आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, उसके साथ सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं 6D टाइप इंट 64, दैट मींस ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है, इसे मैं रेक्टेंगल में कवर कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन है, Which one of the following is an attribute of the series in pandas to set the index label for the given object? ठीक है, कौन सा attribute जो है वो series का pandas में set the index label, index पर row index पर label लगाना। ठीक है, तो label तो attribute तो यहाँ पर नहीं लगेगा, index attribute है, LOC नहीं लगेगा, all the above। इंडेक्स से आप बदल सकते हैं किसी भी सीरीज का जो इंडेक्स लेवल है, रो इंडेक्स लेवल है, कॉलम्स अट्रीब्यूट से कॉलम इंडेक्स बदले जाते हैं डेटा फ्रेम में, क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज में हम लोग रो इंडेक्स चेंज करना चाहें तो, या एलिमेंट के इंडेक्स चेंज करना चाहें तो इंडेक्स अट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग Python matplotlib dash can be used to display information as a series of data points. Series of data points में हम लोग information display करना चाहते हैं, तो कौन सा यहाँ पर answer होगा? Line chart, bar chart, histogram and none of the above. तो series of data point की बात हम करें तो हमें जो है ये part सही लग रहा है, ए पार्ट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट मींस हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो क्रॉस करेगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो डाटा पॉइंट्स बनेंगे, तो लाइन चार्ट उससे ड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजीज नीड लीस्ट केबल लेंथ, कौन सी टॉपोलॉजी में कम से कम केबल लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो जिस बच्चे ने भी ये किया है, वैसे लिखा है इसने नॉट अटेम्प्टेड, बट यहाँ पर राइट का निशान लगा रहा है, तो हमारा जो आंसर है इसमें जो बस टॉपोलॉजी है वो हर सिस्टम नेटवर्क पर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक बस के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए इसमें केबल लेंथ की ज़रूरत कम पड़ती है, स्टार में ज़्यादा होती है लेंथ। ठीक है, क्योंकि हर सेंट्रल कंप्यूटर से हर नोड कनेक्टेड होता है, इसलिए सेवेंथ का सी आपका सही होना चाहिए। आइए आठवां करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्राइम विल कम अंडर साइबर क्राइम कैटेगरी, कौन सा क्राइम या क्राइम्स साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी की चोरी करना, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी में सेंध लगाना, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है ये आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी साइबर क्राइम में ही आते हैं, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, एग्रीगेट फंक्शंस किसकी बात हो रही है? एसक्यूएल की बात हो रही है, तो किस पर कैलकुलेशन करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली सिंगल वैल्यू पर तो एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेशन क्या करोगे, मल्टीपल वैल्यूज पर ही एग्रीगेशन करोगे, इसका पार्ट भी करेक्ट आंसर है। मल्टीपल वैल्यूज का आप सम निकालोगे, मल्टीपल वैल्यूज का आप एवरेज निकालोगे, वो मल्टीपल वैल्यूज में से मैक्स और मिन का यूज करके मैक्सिमम मिनिमम और काउंटिंग कर सकते हैं। Which one of the following is a web browser? इसमें से web browser कौन सा है? तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही आंसर है, web browser। ठीक है, कौन सा?
माइक्रोसॉफ्ट एज. ऑल राइट, ठीक है. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अरेंज द रोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन इन एसक्यूएल. अब शॉर्टिंग आपने पढ़ा ही होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग करना हो या डिसेंडिंग करना हो तो कौन सा क्लॉज हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड में, आपको पता ही होगा. इसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑर्डर बाय. ठीक है. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एंड अवेलेबल टू एवरीवन इज कैटेगराइज्ड एज. तो कॉपीराइट से जो चीज़ प्रोटेक्ट ना की जाए और सभी के लिए अवेलेबल हो तो उसे प्रोप्राइटरी कहेंगे या ओपन सोर्स कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, शेयरवेयर कहेंगे. तो ठीक है, ओपन सोर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर वन एंड ऑल. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. एक्सपेरिमेंटल, शेयरवेयर, नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. ठीक है, ओपन सोर्स होना चाहिए, प्रोप्राइटरी कॉपीराइट होता है. एक्सपेरिमेंटल और शेयरवेयर, शेयरवेयर पर भी कोई ऐसा कॉपीराइट तो होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओपन सोर्स ही होना चाहिए इसके लिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम. इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, आई इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, लीची, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम आई इंडेक्स 1 2 3 4 5. तो यानी कि 1 इंडेक्स किसका है डाटा फ्रेम में, एप्पल का, 2 बनाना का, 3 मैंगो का, 4 ऑरेंज एंड 5 लीची. अब यहाँ पर लिख रहा है कि डी एफ डॉट आई एल ओ सी 1 कॉलन 3. आप जानते हैं आई एल ओ सी जो है ये डिफॉल्ट इंडेक्स पे काम करता है, और आपने जो इंडेक्स लेबल लगाए हैं वो 1 2 3 4 5 लगाए हैं. बाय डिफॉल्ट होता है 0 1 2 3 4, यानी कि इसमें 0 1 2 3 4 आएगा. अब आई एल ओ सी कहाँ से कहाँ तक देगा, जो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 1 2 आएगा इसका. तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी बनाना और मैंगो आपका आना चाहिए. बनाना और मैंगो के सामने क्या लिखा दिखेगा आपको, तो 2 3 लिखा दिखेगा. ठीक है, आई एल ओ सी बेशक लगा हुआ है, बट यहाँ पर हमें 2 और 3 दिखेगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल इंडेक्स है 0 1 2. तो यहाँ 1 से शुरू होगा आई एल ओ सी, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 3 को एक्सक्लूड करेगा. दैट मीन्स जो 13th क्वेश्चन होना चाहिए आपका, मान लीजिए मैं 13 यहाँ पर लिखता हूँ, 13 क्वेश्चन का जो जवाब है ये होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने आंसर नहीं दिया है, आउटपुट पूछा जा रहा है. तो आउटपुट होना चाहिए बनाना, मैंगो, उसके सामने आना चाहिए 1 2 3 2 3 आना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पर आना चाहिए 2, इसके सामने आना चाहिए बनाना, ठीक है, और 3 आना चाहिए, इसके सामने आना चाहिए मैंगो. ठीक है, ये सो दिस शुड बी द आंसर. और डी टाइप यहाँ क्या दिखाएगा, ये डी टाइप लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी इन द आउटपुट. डी टाइप आपका ऑब्जेक्ट दिखाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट दिखाता है. राइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. इंडियन लॉ टू डील विथ साइबर क्राइम इज, साइबर एक्ट, इंटरनेट एक्ट, आईटी एक्ट, WWW एक्ट. यस, आईटी एक्ट इज द राइट आंसर. आईटी एक्ट 2000 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था. ठीक है, लीगली साइबर क्राइम में जो सजा है, पनिशमेंट है, फाइन है, किस किस सेक्शन में क्या क्या है, किस तरह की क्राइम में कौन सी सजा है, वो सारा डिफाइंड है आईटी एक्ट में, एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2000.
and thereafter it was there was amendment done in this act in 2008. तो इसका आप याद रखें, ईयर भी याद रखें. हो सकता है कि कमिंग जो बोर्ड है टर्म वन का, उसमें ईयर भी पूछ लिया जाए. A dash is a collection of interconnected dash designed with a goal in mind. क्या चीज है? Is a collection of interconnected dash. Web page is a collection of website? No. Web browser is a collection of web page? No. Server is a collection of client? No. Website is a collection of web page. चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है. So website is a collection of interconnected web pages designed with a goal in mind. 15 question हो गया, केवल 15 question ही करना था आपको. इसके बाद वाले आप 6 question छोड़ सकते हैं, but यहाँ पर मैं पूरा discuss करता हूँ आपसे. In the dash field of email, कौन सी फील्ड में ईमेल के, जब आप ईमेल लिखते हैं किसी को कंपोज करते हैं, तो एंटर द रिसिपिएंट्स हुज एड्रेस यू वांट टू हाइड फ्रॉम द अदर रिसिपिएंट. ठीक है, तो इसमें जो आना चाहिए ब्लैंक में, कार्बन कॉपी नहीं, टू नहीं, टू तो जिसको आप भेजते हैं उसी को दिखता है, और कार्बन कॉपी में जो है वो सभी को दिखता है. ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है दूसरों से हाइड रहेगा, आप जिसे भेजेंगे केवल उसे उसका ही ईमेल आईडी नज़र आएगा, दूसरों का. यू हैव सेंट टू सो मैनी पार्टिसिपेंट्स. ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप लिखते हैं तो हमें अपना ही दिखेगा हर रेसिपेंट को, उस दूसरों का ईमेल आईडी नहीं दिखेगा. जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ये हम कर सकते हैं. सी पार्ट इज द राइट आंसर. ई वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ, देयरफॉर दे मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर. व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय ई वेस्ट. क्या हेल्थ हजार्ड्स हैं ई वेस्ट से? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? देखिए, लंग कैंसर हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव. बिल्कुल, ये किसी भी तरह के हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं ई वेस्ट में, टॉक्सिक चीज़ें, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल है. मर्करी वगैरह होता है, ब्रोमीन होता है, और तमाम और तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए, सॉइल के लिए, इसके सब के लिए हार्मफुल हैं. ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, दे कैन आई मीन harm in various ways to the environment, to the people, to the air, and everything, soil also, water also. और उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो lung cancer, DNA damage, brain damage के chances हो जाते हैं. 18वां question है, the dash command is used to select an existing database in SQL. SQL में आपने कोई database बनाया है, उसमें अगर उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कौन सी कमांड लिखेंगे? ऑब्वियसली हम लोग यूज कमांड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यूज कमांड, राइट. यूज कमांड अप्रोप्रिएट आंसर है इसका. ठीक है, यहाँ करो, यूज कमांड कैन बी यूज्ड. ओके, द एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग. तो कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन है जो किसी सब स्ट्रिंग का फर्स्ट अकरेंस रिटर्न करता है, सर्च करता है?
तो ऑब्वियसली ये आपका इन str फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग को बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को सर्च करती है और उसका फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर, वो किस पोजीशन पर छोटी स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग में मिलती है वो आपको रिटर्न कर देगी। ठीक है, सो इन str फंक्शन इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये आपका आंसर ठीक है, सी वैन वाइडर एरिया नेटवर्क, दैट इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। डैश हेल्प्स टू इन्हांस द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब ब्राउजर एक्सटेंशन प्लग इन एड ऑन ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। आप ये सारी चीज़ें वेब ब्राउजर में इंस्टॉल करके एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लग इन और एड ऑन भी इंस्टॉल करके वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। इस तरह से आपका सेक्शन ए पार्ट ए का कंप्लीट होता है, 21 क्वेश्चंस पार्ट ए सेक्शन ए फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट पार्ट ए का 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने थे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया था 2021 का। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर टू देखते हैं। सेक्शन नंबर टू में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों कंपलसरी हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में पांच पार्ट दिए हैं, आपको चार सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ईच सब क्वेश्चन कैरी वन मार्क, तो ये केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं, कुछ आपको सॉल्व करना पड़ सकता है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम BF एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन आउट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ। तो देखिए यहाँ पर एक टी दिया गया है, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेम 6 नाम दिए गए हैं, एज दिया है, मार्क्स दिया है और क्लास दिया हुआ, ये डिक्शनरी है। अब इससे डेटा फ्रेम बनाया गया, DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। टी मीन्स डिक्शनरी और इंडेक्स आपने अपनी बदल दी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन प्लेस ऑफ डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 की बजाय। तो राइट द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट, ऐसी कमांड लिखिए जो ये आउटपुट आपको दे सके। तो कौन सा आप दे रहे हैं, रोल नंबर 2 का डिटेल आ रहा है यहाँ पर, 2 का प्रांशु 14, 60.9, 12B, और ये सीरीज के फॉर्म में आ रहा है, नेम 20, डी टाइप ऑब्जेक्ट, ये एक सीरीज के फॉर्म में आ रहा है। कमांड क्या होनी चाहिए ध्यान से देखिए, df.iloc1। ठीक, अभी iloc1 का मतलब क्या हुआ, iloc का मतलब 01, iloc जो है डिफॉल्ट इंडेक्स पे काम करता है, 01 का मतलब हो गया रोल नंबर 2 का डिटेल। ठीक है, df.loc1 अगर आप करेंगे इसका मतलब इसमें loc1 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो इंडेक्स आपने 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है, तो loc को नया लेबल मिलेगा ही नहीं, बेसिकली एरर दे देगा। प्रिंट df.loc कैपिटल लिखा है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। df.iloc1 किसमें लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में, कैंसिल कर दीजिए। तो आपका ए पार्ट ही करेक्ट आंसर इसका हुआ, so that means this is part A which is the correct answer, right? आइए हम लोग ये second question इसका करते हैं। The teacher wants to know the highest marks secured by the student. Which statement would help her to get the correct answer? Highest marks चाहिए, तो obviously marks वाला जो हमारा column है वो marks, यहाँ column का नाम है marks, आप देख सकते हैं ये column का नाम है marks। ओके, यहां से आ जाइए, प्रिंट df ऑफ मार्क्स, अब df ऑफ मार्क्स लिखा तो सिंगल कोट में कॉलम का नाम होना चाहिए, इसे कैंसिल कर देते हैं। बी देखिए, प्रिंट df.max ब्रैकेट में मार्क्स, ये गलत है, मैक्स फंक्शन पहले नहीं आता है। ठीक है, प्रिंट df ऑफ मार्क्स सिंगल कोट में है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर .max, ये क्वेश्चन आपका सही लग रहा है। मैक्स एक फंक्शन है, एम्प्टी ब्रैकेट एम्प्टी पैरेंथेसिस पर एंड होगा, और ये आपका मैक्स के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ, इसलिए गलत हो गया, आपका पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पार्ट सी को आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड न्यू कॉलम फी
as third column with values this in the data frame dir. अब आपको जब लोकेशन दे दी जाती है कि थर्ड कॉलम ये होना चाहिए, कॉलम का नाम ये है, वैल्यूज ये हैं, तो ऑब्वियसली आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे. इंसर्ट में ये तीन पैरामीटर बेजर होते हैं, ठीक है. तो आप ये ऐड हटाइए, अपेंड हटाइए, इंसर्ट दो जगह लिखा हुआ, इसमें से आप देखिए कौन सा होना चाहिए. सबसे पहले एल ओ सी इक्वल टू टू, कॉलम इक्वल टू फीस, वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है. यहाँ पर इंसर्ट एल ओ सी इक्वल टू टू, फीस दिया है, कॉलम का नाम नहीं दिया है, तो आपका डी कैंसिल हो जाता है, लेकिन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है. इस हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर. आइए हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन इस केस स्टडी का. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव द कॉलम एज इन द डेटा फ्रेम डी. एज कॉलम को रिमूव करने के लिए, कॉलम रिमूव कर रहे हैं इसलिए आपको x इज इक्वल टू वन देना पड़ेगा पैरामीटर. तो आप वो कमांड इसमें से चूज कीजिए जिसमें x इज इक्वल टू वन है. तो ऑब्वियसली ए वाली कमांड और सी वाली कमांड ये हमारी सही है, बाकी गलत है. अब इनमें दोनों में से करेक्ट कौन सी है वो आपको देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ देखिए डी एफ डॉट ड्रॉप ब्रेकेट में सिंगल कोट में आपने लिखा एज x इज इक्वल टू वन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर ये लिखा है. यहाँ पर लिख रहे हैं सी में डी एफ डॉट ड्रॉप इज एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ड्रॉप एक फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता ड्रॉप के बाद, यहाँ पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए आपका पार्ट ए सही होता है, पार्ट सी गलत हो जाता है. दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, which of the following command would remain, rename the column marks to term 1 in the data frame df. अच्छा, marks जो column का नाम है उसको term 1 करना है, यानी column का नाम change करना है. column का नाम change करने के लिए कौन सा function, rename function. आइए देखते हैं कौन सा सही है, df dot rename marks comma term. अब यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये list के form में नहीं दिया जाता है, rename function में dictionary के form में ओल्ड कॉलम नेम कॉलन न्यू कॉलम नेम दिया जाता है. तो हम लोग चल के देखते हैं कि डिक्शनरी के फॉर्म में कौन सा दिया हुआ है. डी एफ डॉट री नेम पैरेंथेसिस और यहाँ डिक्शनरी के फॉर्म में मार्क्स कॉलन टर्म वन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है. और यस, यहाँ पर एक पैरामीटर कॉलम्स देना पड़ता है. कॉलम्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मार्क्स कॉमा कॉलन टर्म वन कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू. रीनेम में आपको क्या रीनेम करना है, इंडेक्स रीनेम करना है कि कॉलम्स, दो पैरामीटर हैं. आप इंडेक्स भी रीनेम कर सकते हैं, कॉलम भी रीनेम कर सकते हैं. तो जो करना है तो उस पैरामीटर का नाम लिखेंगे, कॉलम्स इक्वल टू करके डिक्शनरी के फॉर्म में देंगे या इंडेक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी के फॉर्म में देंगे. ऑब्वियसली कॉलम चेंज करना है तो हमारा पार्ट सी सही हो जाता है. राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. तो इस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन आपने पांचों पार्ट कर दिए, हालांकि इसमें आपको चार पार्ट करने थे. 23वां क्वेश्चन भी केस स्टडी का होता है, लेकिन ये एसक्यूएल पर बेस्ड हुआ, मतलब जो स्ट्रक्चर था आपका एसक्यूएल बेस्ड है ये. आइए देखते हैं कि इसमें आपका एक ये टेबल दिया है, होटल नाम है इस टेबल का. तो डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द होटल सिचुएटेड इन लंदन. इसकी कमांड क्या बनेगी, इसकी कमांड लंदन में कौन कौन से होटल सिचुएटेड हैं, इसका मतलब हमें सारा डिटेल देना है. सो आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम होटल है, वेयर लोकेशन इक्वल टू लंदन, ठीक है. इसको मैं कहाँ लिख दूँ आपकी कमांड, ये कमांड मैं मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. टेक्स्ट फील्ड, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल वेयर, पाइथन तो केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए होटल आप कैसे भी लिख सकते हैं, वेयर लोकेशन
इक्वल टू सिंगल कोट में या डबल कोट में आप एल ओ एन डी ओ एन लिख सकते हैं, सेमी कॉलन लगा दीजिए। सो दिस इज द आई मीन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल डीलक्स रूम्स विद प्राइस मोर देन 6000 इन असेंडिंग। तो डिटेल ऑफ ऑल डीलक्स, तो डिटेल का मतलब सेलेक्ट स्टार लगेगा। आइए इस कमांड को लिखते हैं, सेकेंड कमांड। सेकेंड कमांड हम कहाँ लिखें, मैं यही लिख देता हूँ, लेकिन आपका ये क्वेश्चन हाइड हो जाएगा तो क्या किया जाए। सेलेक्ट, चलिए लिखते हैं, देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल। और क्वेश्चन क्या कहता है, डीलक्स वेयर रूम टाइप अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू सिंगल कोट में आप लिख दीजिए डीलक्स एंड, और क्या है, डीलक्स विद प्राइस मोर देन 6000। ठीक है, इसका प्राइस आप कर दीजिए एंड प्राइस ग्रेटर देन 2000 6000। इसके साथ आपको क्या करना, ऑर्डर बाय लगाना। ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर में चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, इन असेंडिंग। ठीक है, किसके ऑर्डर, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल डीलक्स रूम्स विद प्राइस मोर देन 6000 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो ऑर्डर बाय आपको यहाँ प्राइस चाहिए, और बाय डिफॉल्ट टू असेंडिंग होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड, सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया। मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देता हूँ अगर, ठीक है, चलिए, स्पेस नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डिस्प्ले द होटल नेम दैट एंड्स विद ई। ऐसे होटल्स के नाम डिस्प्ले करना है जो ई पर एंड होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कमांड बना देता हूँ, सेकंड आपने ये किया, सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, और ये आपने किया था फर्स्ट। जैसे आपको पता रहे मैं कहीं भी इस कमांड को प्लेस कर दूंगा, डिस्प्ले द होटल नेम दैट एंड्स विद ई। इसमें लाइक का यूज करेंगे आप, होटल का नाम आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, आई एम राइटिंग हियर, और ये आपकी थर्ड कमांड, सेलेक्ट होटल नेम, एच नेम है यहाँ पर, जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, इट इज नॉट केस सेंसिटिव, फ्रॉम होटल और वेयर, क्या कह रहे हैं कि जिसका नाम ई पर एंड होता है, वेयर एच नेम, एच अंडरस्कोर नेम लाइक, लाइक सिंगल कोट में ई पर एंड होता है, दैट मीन्स परसेंटेज ई सेमी कॉलन। ओके, ये आपकी कमांड हो गई थर्ड, थर्ड कंप्लीटेड। फोर्थ की बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स अवेलेबल इन द होटल, होटल में डिफरेंट टाइप्स के जो रूम अवेलेबल हैं उसको काउंट करना है, यानी कि ये डीलक्स, डीलक्स कितने हैं, विला कितने हैं, डुप्लेक्स कितने हैं, उसकी काउंटिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ पर आपकी चौथी कमांड लिखने जा रहा हूँ मैं,
चौथी कमांड के लिए स्पेस कहीं दिख नहीं रहा है, तो फोर्थ कमांड के लिए मैं स्पेस बनाता हूँ। यहाँ पर बना लेता हूँ फिलहाल, हालांकि चलिए हम लोग इसे वर्ड में टाइप कर लेते हैं। फोर्थ कमांड क्या है? काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स अवेलेबल इन द होटल। रूम टाइप है इसका फील्ड का नाम। तो ये है आपका विच वन, फोर्थ, 23rd का फोर्थ। 23rd में यहाँ लिख देता हूँ, 23rd का फोर्थ। तो आई हैव रिटन सेलेक्ट। आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा किस पर? रूम टाइप पर। तो मैं लिख देता हूँ रूम अंडरस्कोर टाइप कॉमा, इसको काउंट कर लीजिए, काउंट स्टार फंक्शन लगा दीजिए, काउंट स्टार फ्रॉम होटल ग्रुप बाय रूम टाइप सेम कर। इससे आपका रूम टाइप दिखाएगा कि डीलक्स, उसकी काउंटिंग कितनी है, विले इसकी काउंटिंग कितनी है, नॉर्मल उसकी काउंटिंग कितनी है, लाइक दिस। ठीक है, डीलक्स की वो बता देगा 2, डुप्लेक्स की 1 बताएगा, विला की 2 बता देगा ऑटोमेटिकली। पांचवा है डिस्प्ले द होटल नेम इन असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। होटल नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं पांचवी कमांड यहीं दे देता हूँ, फिफ्थ, अलग इसमें से भी आपको 4 ही करने हैं, 4 हमारे हो चुके हैं। मैं पांचवा भी, क्योंकि पेपर में पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, सो आई विल टेल यू द फोर्थ। सेलेक्ट होटल नेम फ्रॉम होटल ऑर्डर बाय होटल नेम DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस शुड बी द कमांड। सेलेक्ट होटल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम टेबल का नाम होटल, ऑर्डर बाय होटल नेम DESC। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो पांचवा क्वेश्चन है। इस तरह से ये 23rd केस स्टडी का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात 24वें क्वेश्चन की। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द सीरीज ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ हैप्पी विद डिफॉल्ट इंडेक्स, प्रिंट द फर्स्ट 3 अल्फाबेट। सो नाउ we have to write a program to create a series with the alphabets of this word happy, और उसके जो इंडेक्स होंगे वो डिफॉल्ट होंगे, उसके बाद फिर टॉप की 3 अल्फाबेट्स आपको प्रिंट भी करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ, एंड इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यहाँ मैं 24 लिख देता हूँ। So suppose I want to create a series, so I will write import pandas as pd, then import ka I small hoga, ye typing mein capital ho jata hai. Suppose series s1 is equal to pd dot series, bracket mein aapne likha list ke form mein h comma a comma p और पी और वाई। ठीक है, वाई भी स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पर सिंगल कोट में ही वाई लिखी, और ये आपने क्लोज कर दिया तो बाय डिफॉल्ट इसके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे आपको वहाँ पाइथन में करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये किया, इसके बाद ये वाली लाइन कॉपी की कंट्रोल सी,
और ये प्रॉम्प्ट पर मैंने लिख दिया। एस वन आपका इस समय ये है, आपका आंसर कहता है कि टॉप के दो एलिमेंट्स पूछ रहा है, तीन। देखिए यहाँ पर टॉप थ्री अल्फाबेट, ठीक है, फर्स्ट थ्री अल्फाबेट। तो इसके लिए आप हेड फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिए। आई विल राइट प्रिंट एस वन डॉट हेड ब्रैकेट में थ्री, तो ऐसे भी आ जाएगा, या सिंपली आप एस वन डॉट हेड थ्री लिखें तब भी आ जाएगा आइडियली, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप के थ्री अल्फाबेट्स आगे सीरीज के। सो दिस इज द राइट आंसर, आइदर यू राइट दिस और यू कैन राइट दिस। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रौनक वांटेड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु डिड नॉट गेट कमीशन, देयरफॉर ही रोट द फॉलोइंग क्वेरी इन एसक्यूएल। सेलेक्ट ईएमपी नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर कॉम इज इक्वल टू नल। तो ही डिड नॉट गेट द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अगर नल कंपैरिजन एसक्यूएल में आप करते हैं तो कॉम इज ऑपरेटर का यूज करते हैं, कॉम इज नल या इज नॉट नल से करते हैं। तो यहाँ इक्वल टू ना रह करके इज नल रहेगा, इस बच्चे ने भी यहाँ पर लिख दिया है ये चीज़, यानी कि इसका आंसर अगर मैं यही लिख देता हूँ सो आई शुड राइट सेलेक्ट ईएमपी नेम, ईएमपी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है ईएमपी वेयर कॉम इज नल हो जाएगा, इज नल सेमीकोलन इन प्लेस ऑफ इक्वल टू इट विल बी इज। ओके, एक लाइन में कर देता हूँ, थोड़ी कम जगह कवर करेगा। ओके, और में नीचे तो ये इसका आंसर है, इज नल, इक्वल टू नल नहीं होगा। और में आइए, कैन बी यूज वेयर क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाय, आंसर इज नो। आप बिल्कुल वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय के बाद नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो वेयर पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, ये आपका सीक्वेंस है। द नेम द क्लॉज विच इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज में भी अगर कंडीशन डालनी है तो उस क्लॉज का नाम क्या है, हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पहले वाले का नो, नो यू कांट यूज, और दूसरे वाले का हैविंग क्लॉज है, सेकेंड सेगमेंट जो है नेम द क्लॉज, तो इसका जो है हमारा क्लॉज क्या हो जाएगा, हैविंग क्लॉज हो जाएगा। राइट, तो कैन बी यूज वेयर क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाय, नो। नेम द क्लॉज विच इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में भी अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, कंडीशन लगाना है, तो हैविंग से यूज कीजिए। 26th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डिस्कस द पर्पज ऑफ काउंट स्टार फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। काउंट स्टार से क्या होता है कि आप किसी भी टेबल की रोज को काउंट करते हो। ठीक है, 26th क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से कर दूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ से आपको दिखा दूँ, तो जो काउंट स्टार फंक्शन है, काउंट स्टार की बात एसक्यूएल में हो रही है। फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ एसक्यूएल टेबल। एग्जाम्पल भी कहता है देने के लिए, एग्जाम्पल दे दिया। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ओके, इसका ग्रुप बाय में अलग तरह से इस्तेमाल है, जितने ग्रुप्स होंगे उतनी रोज, उन सभी ग्रुप्स की रोज काउंट करेगा अलग अलग। तो यहाँ पर ये काउंट स्टार नॉर्मल पूछ रहा है, इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू सीरीज ए एंड बी। एक ये सीरीज ए बनी है जिसमें इंडेक्स 0, 1, 2 है, वैल्यूज 2, 4, 6 है। सीरीज बी 1, 3, 5, इंडेक्स 1, 2, 3। व्हाट इज द स्टेटमेंट टू ऐड बोथ द सीरीज ए एंड बी। व्हाट इज द स्टेटमेंट टू मल्टीप्लाई द सीरीज ए एंड बी।
ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप कर सकते हैं सीरीज ए इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में लिस्ट है 2, 4, 6, ये सीरीज की वैल्यूज हैं। इंडेक्स इसका है, यहाँ से देखिए इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, ठीक है। आई हैव टेकन इंडेक्स 0, 1, 2, दिस इज द इंडेक्स सीरीज क्रिएटेड। इसी तरह से सीरीज बी मैं ले लेता हूँ, सीरीज बी आपकी ये रही, इसके जो वैल्यूज हैं वो हैं 1 और 3, 3 और ये है 5, और इसके जो इंडेक्स हैं ये है 1, 2, 3, राइट, सीरीज बी। अब कहता है सीरीज को ऐड करो, तो मैं ए प्लस बी भी सिंपली लिख सकता हूँ, ए प्लस बी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सीरीज ऐड हो रही हैं, देखिए इसमें इंडेक्स 0 था, इसमें इंडेक्स 0 नहीं था तो 9 आ गया, इसमें इंडेक्स 1 था 4 है, इसका इंडेक्स 1, 1 है, 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इसी कमांड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ए डॉट एड बी, दिस इज ऑल्सो ओके, द सेम आंसर, ठीक है। इसी तरह अब इसमें आप प्रिंट लगाना चाहें प्रिंट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप प्रिंट भी लगा के लिख सकते हो, बिकॉज अगर आप स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तो प्रिंट लगाएंगे, आइडियली पर लिखेंगे तो प्रिंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लाइक दिस सिमिलरली यहाँ पर आप इंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फंक्शन आप मल MUL का इस्तेमाल कर सकेंगे, लाइक आई कैन राइट कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी, दोनों सीरीज का मल्टीप्लिकेशन आ गया। 0 नॉन मैचिंग इंडेक्स जो है उसके सामने 9 आ जाता है, जब आप बाइनरी ऑपरेशन सीरीज का करते हैं। मैचिंग इंडेक्स यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ पर भी 1, 2 है, तो इसके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट 4 है, इसका प्रोडक्ट 1 और 2 का, आई मीन जो इंडेक्सेज है उसका 18 है दोनों में। देखिए यहाँ 1 का आपका 4 है और यहाँ 1 का 1 है, तो 4 1 जब 4, यहाँ पर इंडेक्स 2 का 6 है, यहाँ पर इंडेक्स 2 का 3 है, तो 6 3 18.0, 0 और 3 इंडेक्स, इसमें 0 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसलिए इसके सामने 9 आ जाता है। सिमिलरली आप ये चीज़ MUL से कर सकेंगे, जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप MUL वाली कमांड भी लिख सकते हैं, या सिंपली ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। राइट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, ये जो एसक्यूएल कमांड है फर्स्ट और सेकंड के लिए आउटपुट लिखना है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एफ इंडिया, इस टेबल में से डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट को काउंट करना है। तो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट में देखिए सन क्रीम, सन क्रीम और है कहीं, सन क्रीम तो और नहीं है, तो सन क्रीम के सामने 1 आ जाएगा। ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम 2 जगह है तो ब्यूटी क्रीम के सामने 2 आ जाएगा। फेस ग्लो फाउंडेशन 1 आ जाएगा, जेल वैक्स के सामने 1 आ जाएगा, हेयर शैम्पू के सामने 1 आ जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग काउंटिंग कर देगा आपका डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, यानी कि काउंट जो है डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को काउंट कर रहा है। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आप निकालोगे अलग अलग प्रोडक्ट, उस पर काउंट फंक्शन लगा दिया गया, ऑब्वियसली उसकी काउंटिंग दे देगा। तो क्या काउंटिंग दे देगा, 1, इसके बाद ब्यूटी क्रीम के लिए 1, 2, फिर 1, 1, 1, यानी कि आपका जो इसका आउटपुट आएगा 1, 2, 1, 1, 1, इस तरह का आउटपुट आएगा। सामने उसके प्रोडक्ट के नाम नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा अगर ये लिखा गया होता तो प्रोडक्ट के नाम भी ये देता, अदरवाइज केवल इसकी काउंटिंग दे देगा। सनक्रीम 1 बार आया है, ब्यूटी क्रीम 2 बार आया है, फेस ग्लो फाउंडेशन 1 बार आया है, जेल वैक्स 1 बार आया है, हेयर शैम्पू 1 बार आया है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम द एफ इंडिया वेयर प्रोडक्ट लाइक परसेंटेज एम, तो जिसके लास्ट में परसेंटेज एम है, यानी कि जिसके एंड में एम है, देखिए यहाँ एम है, यहाँ एम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये तीनों प्रोडक्ट और उसके प्राइस डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी सन क्रीम 678,
that means sun cream 678 इसके सामने आ जाएगा 678। इसके बाद आपका हो जाएगा ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम के सामने ये आ जाएगा 5400 और फिर से ब्यूटी क्रीम के सामने 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट जो है एम पर एंड हो रहे हैं, तो ब्यूटी क्रीम 5400, ब्यूटी क्रीम 1200, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटी क्रीम 5400। ठीक है, और फिर से ब्यूटी क्रीम के सामने 1200 आ जाएगा, यहाँ पर 1200 कर दीजिए। दिस इज द आउटपुट। इसमें आप कॉलम की हेडिंग देना चाहें तो कॉलम की हेडिंग भी दे सकते हैं। कॉलम की हेडिंग में क्या लिख देंगे आप? प्राइस और प्रोडक्ट, यानी कि इसके टॉप में आपको लिख देना है प्राइस और प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी आपको आउटपुट में दिखेगा। प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट है, उसके बाद प्राइस है, ये उसकी प्राइस है। फाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन भी होगी, तो ऐसा भी लिख सकेंगे या इतना ही लिख देंगे तब भी आंसर आपको करेक्ट माना जाएगा। तो प्रोडक्ट और प्राइस डिस्प्ले होगी, जिसके एंड में प्रोडक्ट के नाम के एंड में एम लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। 29th क्वेश्चन कहता है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्किल क्वेरीज सजेस्टी आर इनोवेशन 3-4। इसका मतलब इनोवेशन में तीसरे कैरेक्टर से चार कैरेक्टर आपको रिटर्न कराना है। तो यहाँ से आपका मैं यहीं लिख देता हूँ इसका जो आउटपुट है, देखिए तीसरे कैरेक्टर से, तो 1, 2, 3 ये SQL है इसलिए 0 से इंडेक्सिंग नहीं, 1 से शुरू करो, 1, 2, 3 3 पर N आ गया और यहाँ से चार कैरेक्टर लिख दो NOVA, तो यहाँ पर आ जाएगा NOVA नोवा। इसी तरह से राइट साइड से पांच कैरेक्टर, इनोवेशन में से पांच कैरेक्टर राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5 एशियन आ जाएगा ATION, तो यहाँ पर इट विल राइट ATION। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्किल क्वेरीज और करके दिया हुआ है, आपको इसमें से V सर्च करना है, स्मॉल V लिखा हुआ है, कैपिटल V लिखा हुआ है, तो इसमें केस सेंसिटिव होता नहीं है, तो ये V को सर्च कर लेगा, यहाँ पर देगा 1, 2, 3 इट विल रिटर्न 3 इन दिस केस, पहले वाले में 3 दे देगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ठीक है, तीसरी पोजीशन पर V सर्च होगा, इन str सर्च करेगा इस बड़ी स्ट्रिंग में, छोटी स्ट्रिंग V को, सेलेक्ट मोड ऑफ 5, 2 आपको रिमाइंडर देगा, तो यहाँ से आप इसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं, 2, 2 जा 4 रिमाइंडर 1 दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 आपका ओवर हो जाता है। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 30 कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम्स 2। ये एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए स्टू के नाम से, कॉलम्स हैं एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट के मार्क्स हैं। दीज आर द इंडेक्सेस, डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 से लेके 4 तक। राइट द स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम्स 2। पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है पाइथन में, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ दियर इंडेक्सेस। ये इंडेक्सेस के रिवर्स ऑर्डर में आपको डिटेल प्रिंट करने हैं। तो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए आप कमांड लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यू कैन राइट प्रिंट प्रिंट और ब्रैकेट में आप डेटा फ्रेम का नाम स्टू है और डॉट ILOC का इस्तेमाल कर लीजिए, सॉरी ILOC एंड कॉलन माइनस वन, ये रिवर्स साइड से आपका सारा डाटा फ्रेम, इट विल प्रिंट 4, 3, 2, 1, 0 रिवर्स साइड से प्रिंटिंग कर देगा। ठीक है, या आप शॉर्ट इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप शॉर्टिंग दिखा सकते हो, शॉर्ट इंडेक्स का यूज़ करके। कैसे करेंगे शॉर्ट इंडेक्स,
ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मैं कर देता हूँ। और इसके बाद सेकंड पार्ट को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट को ही और करके यहाँ कर देता हूँ। सपोज आई एम डूइंग हियर, वैसे यहाँ करने का कोई वो नहीं है। चलिए यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके डेटा फ्रेम का नाम है S2, तो आई विल राइट प्रिंट stu डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वी विल राइट ASCENDING असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, सो इट विल ऑटोमेटिकली बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी आपके डेटा फ्रेम की, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास एक ये डेटा फ्रेम DF है, सपोज कीजिए इसको मैं रन करा देता हूँ, ये DF है, ठीक है। इसकी आप शॉर्टिंग करेंगे तो लिखेंगे क्या, DF.ILOC ब्रैकेट में कॉलन कॉलन -1, इससे भी हो जाएगा आपका ये रिवर्स साइड से 543210 आ रहा है। ये दूसरा डेटा फ्रेम मैंने लिया है और खाली कमांड टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लिख करके ASCENDING असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है असेंडिंग इज इक्वल टू, इसे आप फॉल्स कर दीजिए। यू कैन सी दिस डेटा फ्रेम इज प्रिंटेड। अब ये डेटा फ्रेम आपको ओरिजिनल अपडेट नहीं हुआ, या तो आप ओवर राइटिंग करते या यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते, तब हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसे मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पर आप सिंपली प्रिंट, ये प्रिंट पर काम करेगा कि नहीं यहाँ से चेक कर लेते हैं वेदर इट विल वर्क ऑन प्रिंट और नॉट। तो लेट अस सी हियर एंड इफ आई राइट प्रिंट देन व्हाट हैपेंस। यस इट इज हैपनिंग, सो नो नो प्रॉब्लम नो इश्यू, तो प्रिंट लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन आपका है ये है एड ए न्यू रो इन द डेटा फ्रेम्स टू विद वैल्यूज, दिस इन वैल्यूज के साथ नया रो ऐड करना है। नया रो ऐड करने के लिए आप डॉट LOC का यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ stu.loc, और आखिरी जो आप ऐड करना चाहते हैं इंडेक्स रो इंडेक्स 5 ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देंगे हम लोग। क्या वैल्यूज हैं, 1006 है, 1006 कॉमा सूजल SUJAL सूजल कॉमा शर्मा, ये हो गया कॉमा, इसी तरह से 17 कॉमा 87 कॉमा 89। ये कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि ये पेपर सर सॉल्व कर दें, और ये किसी स्टूडेंट ने ही पेपर दिया है, हो सकता है उसे कोई मैच करना हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, दैट इज़ व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस पेपर, ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म VIOP, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्स बेस्ड ऑन VOIP। VOIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो वॉइस का कॉलिंग करते हैं उसे हम VOIP कहते हैं। कुछ ऐप्स के नाम देने हैं जिसके थ्रू आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, जूम है, गूगल मीट है और स्काइप है, ये जो है इसके थ्रू हम लोग वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, तो ये VOIP ऐप्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, VOIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये
This system works by taking your analog voice signals, converting them into digital signals and sending them as data over your broadband line. It is very useful way of making calls. For a start, once it's set up, it's a lot cheaper than other normal phone lines. यहाँ पर ये नेक्स्टिवा, एयरकॉल, ज़ोइपर, स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, वाइबर, ये सभी एग्जांपल्स हैं. फेसबुक मैसेंजर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ VoIP एप्स. ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं VoIP, दिस इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. Nowadays, children are fond of playing computer games. What is the health hazard that can occur due to excessive use of computer, smartphone on the screen, smartphone screens? So, क्या क्या नुकसान है, क्योंकि बच्चे आजकल काफी गेम खेलते हैं, excessive use of technology का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या health से related issues हैं जो create हो जाते हैं? तो ये इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो. मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है आपके ओनली आंसर. कंटिन्यूअस यूज ऑफ डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन्स एटसेट्रा कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स इफ नॉट एड्रेस्ड. इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड ज्वाइंट्स, इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, सुनने में दिक्कत होने लगती है, सिटिंग पोस्चर गलत हो जाता है, उसकी वजह से बैक पेन, जॉइंट पेन क्रिएट हो जाता है. इम्पैक्ट ऑन आईज, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स एज प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन लीड टू द एक्सट्रीम स्ट्रेन इन द आईज. स्लीपिंग प्रॉब्लम, ब्राइट लाइट फ्रॉम कंप्यूटर डिवाइसेस ब्लॉक द हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन व्हिच हेल्प्स इन स्लीपिंग. दस वी कैन एक्सपीरियंस स्लीप डिसऑर्डर्स लीडिंग टू द शॉर्ट स्लीप साइकिल्स, bad posture, back ache, neck and shoulder strain, pain in the wrist, जिसे हम carpal tunnel syndrome कहते हैं. तो इस तरह की तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं अगर हम excessive use of smartphone and other devices करते हैं तो. ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए. फिर अगला क्वेश्चन है, expand URL, explain URL with the help of example. URL किसे कहते हैं, उसे एक्सपेंड करोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहते हैं, और इसे एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है. इज ए यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेब एड्रेस. जो आप वेब एड्रेस लिखते हैं लाइक www.google.com, ये सारा जो है आपका URL ही है. URL उस वेब पेज तक पहुंचने के लिए, उस लिंक तक पहुंचने के लिए, उस डोमेन और होस्ट तक पहुंचने के लिए एक वेब एड्रेस होता है, उसे हम लोग URL कहते हैं. URL consists of multiple parts, protocol, domain name that tells a web browser how and where to retrieve a resource, right? तो इस तरह अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का एक्सपेंशन हो गया. और जो हम लोग कोई भी वेब एड्रेस लिखते हैं वो एक तरह का URL ही है. तो ये किसी भी रिसोर्स को किसी वेबसाइट पर आइडेंटिफाई करता है. URL consists of multiple parts, इसमें कई पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें एक तो ये प्रोटोकॉल का नाम होता है, स्टार्टिंग में HTTPS या www या FTP, और उसके बाद ये डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ whatis.target.com, यहाँ तक ये डोमेन नेम कहलाता है. इसके बाद ये पाथ कहलाता है, पाथ ऑफ द रिसोर्स, जो रिसोर्स पेज है उसका क्या पाथ है. तो ये तीन पार्ट्स में URL जो है डिवाइडेड होता है. इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं. पहला जो है यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल और स्कीम लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल और स्कीम ये वाला. इसके बाद और ये क्या हो सकता है, HTTP, HTTPS, FTPS, मेल टू एंड फाइल. ठीक है,
in this example protocol is HTTP, host name या domain name. Domain name यहाँ पर क्या है in this example, what is .techtarget.com, ये आपका domain name हो गया. Then path refers to the file location on the web server. Web server जिस पर ये website host की गई है, what is .techtarget.com, इसके ऊपर जो आपकी फाइल है उसकी लोकेशन क्या है, ये इसके बाद यहाँ पर रहता है, उसे हम लोग पाथ कहते हैं. ये तीन पार्ट्स में बेसिकली आपका यूआरएल डिवाइड होता है, और एक ये यूनिक आइडेंटिफायर है जो लोकेट करता है रिसोर्सेज को ऑन द इंटरनेट ऑन ए पार्टिकुलर वेब सर्वर. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यूआरएल, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इस तरह से आप एक एग्जांपल दे करके इसके तीनों पार्ट्स को चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ 34th क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ सीरीज S1 विद द वैल्यूज 2, 3, 1. एक सीरीज S1 क्रिएट करना, उसकी वैल्यूज 2, 3, 1 होनी चाहिए. तो मैं आपको इसे यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ. यू कैन राइट इम्पोर्ट पैंडास SPD. इसके बाद सीरीज का नाम क्या है, यहाँ से देख लीजिए फिर से. सीरीज का नाम दे रखा है S1 कैपिटल में, वैल्यूज 2, 3, 1. सो आई कैन राइट कैपिटल S1 इज इक्वल टू PD.Series ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में 2, 3, 1 लिख दिया गया ऐसे, राइट लाइक दिस, एंटर. अब आप S1 देख सकते हैं प्रिंट करा करके कि S1 की क्या वैल्यू है. प्रिंट S1 या सिंपली URL पर मैं लिख रहा हूँ तो S1 भी लिख सकता हूँ बिना प्रिंट स्टेटमेंट के. दिस इज योर सीरीज हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 1 विद द इंडेक्स 0, 1, 2. ओके, दिस इज व्हाट 34th क्वेश्चन. अच्छा 34th क्वेश्चन में थोड़ा अभी यहीं तक नहीं, सीरीज क्रिएट हो जाने के बाद फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग द एवर क्रिएटेड सीरीज. जो सीरीज आपने बनाई है उसमें अगर S1 पावर 3 लिख दिया जाए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि S1 के हर एलिमेंट को 3 पावर 3 किया जा रहा है. दैट मीन्स 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 1 की पावर 3. जो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा. तो 0, 1, 2 इंडेक्स के साथ 8, 27 और 1 आ जाना चाहिए. यहाँ से देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ देन व्हाट हैपन्स, अगर इस सीरीज में S1 पावर 3 करता हूँ S1, सो यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. ये आउटपुट आपको लिखना था 8, 27, 1. और अगला है S1 × 3, तो S1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 6, 9, 3 आता है, क्योंकि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. तो 6, 9 and 3 इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द सेकेंड आउटपुट. इसमें आप डी टाइप भी लिख देंगे तो बेटर है. यहाँ पर int 64, 8 बाइट का इंट का साइज है, और ये इंटीजर वैल्यू है 8, 27, 1, इसलिए यहाँ int 64. इट ऑक्यूपाइज 8 बाइट मेमोरी स्पेस ईच इंटीजर. तो इस तरह से आप इसका दोनों का आउटपुट लिख सकते हैं. अगला प्रश्न 35th है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस. कॉपीराइट और लाइसेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग रादर यू कैन सी, ये क्या होता है. यहाँ पर आपके लिए मैंने आंसर दिया हुआ, कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं. एन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द कॉपीराइट ओनर. जिसके पास किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है वो कॉपीराइट है, वो उसका ओनर है, उसने क्रिएट किया है, वो जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉपीराइट उसके पास है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी क्रिएशन ऑफ योर ओन पोइम, नॉवेल,
आपका आर्टिस्ट आर्टिस्टिक में, म्यूजिक में, आर्ट्स में, किसी भी फील्ड में आपका कॉपीराइट हो सकता है, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आपने अपना क्रिएट किया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उस पर भी आपका कॉपीराइट हो सकता है। तो जो हम अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे को, तो वो जो है इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द कॉपीराइट ओनर। अगर हम कॉपीराइट ट्रांसफ़र करते हैं, लाइसेंसिंग का मतलब अ लाइसेंस सिंपली अलाउज अनदर पर्सन टू यूज़ द वर्क विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। अगर आप कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो आप दूसरे को अपने क्रिएशन का, अपने सॉफ्टवेयर का, अपने किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ करने का राइट अलाउ करते हैं, तो वो लाइसेंसिंग कहलाती है किसी भी चीज़ की। जैसे आप विंडोज़ अगर आप ख़रीदते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको उसका कॉपीराइट नहीं दे रहा है, आपको वो परमिट कर रहा है कि मेरे प्रोडक्ट का ये पोर्शन, ये फैसिलिटी, ये मेन्यू, ये ऑप्शन, प्रोडक्ट की ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड, ऐसा भी, तो वो लाइसेंसिंग कहलाता है। ठीक है, कॉपीराइट की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाई इज देयर ए नीड और टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी प्रॉपर्टी IPR होता क्या है और उसे प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए, ये और करके कॉपीराइट और लाइसेंस के बारे में आप या तो डिफरेंस लिखिए, या तो ये IPR होता क्या है और उसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते थे 35th क्वेश्चन में। तो 35th क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया है कि कॉपीराइट इज़ ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड लाइसेंसिंग इज ए टाइप ऑफ, अच्छा यहाँ पर मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन लाइसेंसिंग और कॉपीराइट को आपको क्लियर किया हूँ। लाइसेंसिंग इज ए काइंड ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू कंट्रोल कॉपीराइट एंड लेस एक्सपोजर, सो दैट लाइसेंसर और कॉपीराइट ओनर कैन ग्रांट परमिशन दैट यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू यूज इट्स कॉपीराइट मटेरियल। द एग्रीमेंट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट मटेरियल टू बी यूज पर्पज ऑफ द वर्क एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस। तो ये कॉपीराइट और लाइसेंसिंग में ये फ़र्क है, कॉपीराइट क्या है, लाइसेंसिंग क्या है, इससे आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। यहाँ पर आते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द इंटेलेक्ट, हेंस नेम, इन्वेंशन, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम, इमेज, डिज़ाइन यूज इन कॉमर्स आर द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट इनकरेजेज द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू क्रिएशंस एज वेल एज इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, इंश्योर्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, नई नई चीज़ें ईजाद होती रहें, इसके लिए हमें IPR को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, नई चीज़ें आएंगी नहीं सामने, नए क्रिएशंस नहीं होंगे, नई इन्वेंशंस नहीं होंगे, नए राइटअप्स नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का काम केवल कॉपी पेस्ट से चलता रहेगा, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस पर कॉपीराइट होल्डर का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, और अगर उसको कोई कॉपी करता है, पेस्ट करता है, मिसयूज करता है, तो वो उसको क्लेम कर सकता है। इंश्योर न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट बिजनेस ग्रोथ ऑल्सो। तो दीज आर द बेसिक रीजन वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, आइए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। 36 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट ए कोड टू प्लॉट इट, ऑल्सो लेबल द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का लेबलिंग करनी है, टेस्ट लिखा है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मार्क्स,
सिक्योर्ड लिखा हुआ है और ये प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, x पर आप देखें ट्रेस करेंगे तो 1.5 के साथ ट्रेस हो रहा 13, 2.0 के साथ ट्रेस हो रहा है ये 0.14, 3.0 के साथ ट्रेस हो रहा है 13 और 3.5 के साथ ट्रेस हो रहा है 14, 4.0 के साथ ट्रेस हो रहा है 15, इसी तरह से 5.0 के साथ ट्रेस हो रहा है आपका 18.5 यू कैन से। तो इसकी आप एक एक्स एक्सिस की लिस्ट बना लें और एक वाई एक्सिस की और लाइन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने एक न्यू फाइल खोल ली और यहाँ पर लिखा सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। देयर आफ्टर इसके बाद आप क्या करेंगे, दो लिस्ट ले लेंगे हैं। एक मैंने l1 ले लिया इज इक्वल टू, या आप x और y ले लो सिंपली, x इज इक्वल टू x एक्सिस पर जो पॉइंट्स आप ट्रेस कर रहे हैं वो देख लीजिए, इट इज 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1.0, 1.5, 1.0, 1.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, देन 1, 2, 3, 4 पॉइंट हो गए। 3.0 के बाद 3.5, 4.0, 5.0, 3.5, 3.5, 4.0 एंड 5.0। मान लीजिए इतने पॉइंट्स आपने एक्स एक्सिस को डिफाइन किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट। इसी तरह से वाई एक्सिस के पॉइंट जो आप ट्रेस कर रहे हैं इसमें देखिए, वाई एक्सिस पर 1.0 के अगेंस्ट 12 है, फिर इसके बाद ये 13 है, फिर इसके बाद ये 14 है, फिर आपका 13 है। सो 12, 13, 14, अगेन 13, 12, 13, 14, 13, 12, 13, 14, 13, इसके बाद ये चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट देखिए 13 ये हो गया, इसके बाद 3.5 पर फिर से 14, 4.0 पर 15, 14, 15 एंड देन 18.5, 14, 15 एंड 18.5 ये हो गया। अब आप इसके लिए जानते हैं plt.plot लिखते हैं, plt.plot x, y ये हो गया, प्लॉटिंग हो जाएगी। देयर आफ्टर आप सिंपल प्लॉट कर रहे हैं, सिंपल प्लॉटिंग है, x लेबल लगा दीजिए, y लेबल लगा दीजिए, कोई टाइटल लिखा नहीं हुआ है। तो मैं x लेबल लगा देता हूँ, plt.x लेबल, दैट मीन्स x एक्सिस का टाइटल क्या है, टेस्ट मार्क सिक्योर्ड। तो टेस्ट और मार्क सिक्योर्ड आपको लिखना है, TESTS टेस्ट्स। और plt.y लेवल पर आप लिख सकते हैं plt.y लेवल मार्क्स सिक्योर, ठीक है, और प्लॉट को आप शो कर दीजिए plt.show। यहाँ पर ग्रिड बना नहीं हुआ, ये तो मुझे लगता है कि ऐसे ही ट्रेस किया गया, दिस इज नॉट ए ग्रिड लाइन। तो इसको आप जब सेव करेंगे कंट्रोल एस, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पर G1 के नाम से सेव कर दिया ग्राफ को, सेव एंड रन इट, तो यू विल गेट सच पिक्चर। उसी तरह की आप देखिए यहाँ पर ग्राफिंग जो है ऐसे ऐसे इस तरह का ग्राफ आपके सामने प्रोड्यूस होकर के आ जाएगा। और कोडिंग का जहाँ तक सवाल है, ये आपकी कोडिंग हो गई, दिस इज द कोडिंग, कंट्रोल सी। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ जी, सो दिस इज द कोड फॉर दिस, ओके।
हम लोग आते हैं और पोर्शन में। और में दिया हुआ है एक ये बार चार्ट दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया मेडल प्लॉट है, गोल्ड कितने लिया इसने, सिल्वर कितने लिया, ब्रॉन्ज एंड टोटल कितने हुए। तो इस पर आपको एक प्लॉट बनाना है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। गोल्ड कहाँ कहाँ पर जा रहा है, 70.75 से थोड़ा ऊपर है, और सिल्वर जो है वो 75 से नीचे है, ब्रॉन्ज भी सिल्वर के बराबर ही है, और इन सभी का टोटल जो है वो इसमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो हम इस पर राइट इको टू ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पर मेडल्स के नाम दे सकते हैं एक सीरीज में, और दूसरी सीरीज में हम लोग कितने कितने मेडल्स उसने जीते हैं वो दे सकते हैं। दो सीरीज दोनों एक्सिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर ये हो जाएगा आपका, ये टाइटल डाल देंगे, एक्स लेवल डाल देंगे, वाई लेवल डाल देंगे। तो इस बच्चे ने बिल्कुल इसी तरह से कुछ बनाया है, और यहाँ पर इसने कलर भी चेंज कर रखा है, हालांकि कलर चेंज करने के लिए नहीं कहा गया था, बाकी ये डैश डैश लगा दिया है, ये गलत है। आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं, उसी फाइल में कर लेता हूँ। एक्स पर आपका है गोल्ड, एक्स एक्सिस में हमने दे दिया गोल्ड, आई हैव रिटन GOLD गोल्ड कॉमा सिल्वर कॉमा ब्रॉन्ज कॉमा, इसके बाद आपका आ जाता है टोटल कितने मेडल्स। देयर आफ्टर गोल्ड में वाई एक्सिस पर आप जो नंबर ऑफ मेडल्स शो कर रहे हैं थ्रू दिस बार, 80, 60, 60, 200 कर रहा है, 80, 65, 75 और 125 का डिफरेंस दिख रहा है, 80 कह सकते हैं, और ये 60 है, ठीक है, और ये भी 60 है। लेट अस टेक द सेम, हियर आई एम टेकिंग 80, देन 60, देन 60, एंड देन टोटल कितने हो गए, 140 प्लस 60, 200 हो गए। इसके बाद प्लॉट की जगह आप बार फंक्शन का यूज करेंगे, यू विल राइट बार। एक्स लेवल में क्या दिखा रहा है, यू कैन सी द हेडिंग मेडल्स वोन बाय ऑस्ट्रेलिया मार्क्स वोन, ये क्या लिखा है, मार्क्स वोन मेडल्स, जो भी यहाँ पर हेडिंग लिखी है हम वही लिखेंगे। सो मेडल्स वोन बाय द ऑस्ट्रेलिया वोन बाय AUSTR ऑस्ट्रेलिया मार्क्स वोन लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि वो मेडल होना चाहिए था। अब जो लिखा है आपको वही लिखना है, अपने आप चेंज नहीं करना है हेडिंग्स, और टाइटल में जो लिखा हुआ वो टाइटल में डाल दीजिए, व्हाट इज रिटन, ऑस्ट्रेलिया मेडल प्लॉट, ओके ऑस्ट्रेलिया मेडल प्लॉट इनवर्टेड कॉमा में, और ये कैपिटल में है क्या, इसे देख लीजिए पूरा कैपिटल, यस ऑस्ट्रेलिया MUDAL PLOT प्लॉट एंड PLT.show। अब हम इसको रन करा करके सेव करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल और ग्राफ का मेन टाइटल। सो दिस इज द प्रोग्राम विच आई हैव जस्ट रिटन, ये प्रोग्राम आप लिख देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन।
या तो ये लाइन चार्ट आपको बनाना था या तो ये बार चार्ट बनाना था, दोनों में से कोई भी आप बना सकते थे। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है ग्राफ में। तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, डिस्कस ब्रीफली, मेंशन द नेम ऑफ वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, आप लिख सकते हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, और डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन आप लिख देंगे कि ये एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडबिलिटी है, वो ज़्यादा इन्हांस होती है। मेंशन द पर्पस ऑफ द फंक्शंस, अब इसमें फंक्शंस का पर्पस, प्लॉट फंक्शन टू ड्रॉ द लाइन चार्ट, शो फंक्शन टू डिस्प्ले द चार्ट ड्रॉन, एनी ग्राफ ड्रॉन, सेव फिगर कैन सेव द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स जेपीजी पीडीएफ, और कई फाइलों के फॉर्मेट हैं जिसके फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं ग्राफ को। तो ये क्वेश्चन है 37वां। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एसक्यूएल से है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से, स्कूल नाम का की एक टेबल दी हुई है, इस टेबल का यूज करके ये क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है। ए बी सी तीन क्वेरीज दी हुई है। पहली क्वेरी कहती है कि डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन टू, जहाँ पर दो से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनका हर हाउस में कितने स्टूडेंट हैं वो आपको निकालना है। यानी कि ग्रीन हाउस में कितने हैं, ग्रीन हाउस में एक ही स्टूडेंट है, रेड हाउस में देखिए दो हैं, और येलो हाउस में एक है, ब्लू हाउस में एक ही दिख रहा है, रेड हाउस में दो हैं। तो आपको मोर देन टू दिखाना पड़ रहा है, दैट मीन्स मोर देन टू तो यहाँ पर नहीं है, हमें आउटपुट थोड़ी देना, हमें तो कमांड लिखनी है। सो आई विल बी राइटिंग द कमांड, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कमांड, सेलेक्ट हाउस, हाउस का नाम लिख दीजिए कौन सा हाउस है और उसमें कितने स्टूडेंट हैं, काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस हाउस में, ये हो जाएगा। फ्रॉम ये स्टूडेंट टेबल का नाम है, देखिए स्कूल नाम है टेबल का, टेबल का नाम है स्कूल, ग्रुप बाय लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया है, और हर हाउस के लिए आप काउंटिंग कर रहे हैं तो ग्रुप बाय हाउस लगा देंगे आप। और उसके बाद फिर इसमें कंडीशन भी है कि जिसमें दो बच्चों से ज़्यादा हो, जिसकी काउंटिंग दो से ज़्यादा हो, तो हैविंग काउंट स्टार यहाँ पर लिखेंगे, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन टू, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए इसका, राइट। ये कौन सा पार्ट है आपका, ए पार्ट है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन टू। हालांकि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहा मोर देन टू, बट हो सकता है कि ये टेबल और बड़ी हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आइए बी पार्ट देखते हैं कमेंट। बी पार्ट में लिखा है डिस्प्ले द एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग एवरेज परसेंटेज, यानी परसेंटेज का एवरेज निकालना है। गर्ल्स बॉयज पर कॉलम है जेंडर, गर्ल्स बॉयज पर आप जो है वो ग्रुप बाय लगा देंगे, ठीक है। तो लेट अस डू दिस कमांड, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट ग्रुप बाय, आप किस पर लगा रहे हैं, जेंडर पर, तो आप लिखेंगे जेंडर कॉमा, उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करो, और एवरेज किसका निकाल रहे हैं, एवीजी ऑफ परसेंटेज फ्रॉम स्कूल और ग्रुप बाय, ग्रुप बाय जेंडर,
यहाँ पर पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आप चाहे कैपिटल में लिख दें कॉलम का नाम, चाहे स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसक्यूएल है, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेंडर मेल का कितना एवरेज परसेंटेज है और फीमेल का कितना, दो रो में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन टू रोज फॉर मेल एंड फीमेल, सो दैट विल बी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, दैट विल बी डिस्प्लेड। देयर आफ्टर डिस्प्ले द मिनिमम परसेंटेज सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। क्लास टेंथ के स्टूडेंट का मिनिमम परसेंटेज डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमारी कमांड क्या बनेगी, सेलेक्ट क्लास करना चाहें तो क्लास भी सेलेक्ट कर दें, और मिनिमम ऑफ परसेंटेज ये आ गया फ्रॉम स्कूल, और यहाँ ग्रुप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेयर लगा दी, वेयर ग्रुप बाय नहीं लगेगा तो आप वेयर से फिल्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, उस पर ही ये मिनिमम लग जाएगा। वेयर क्लास इज इक्वल टू 10 सेम कॉलम। देखिए इसमें कॉलम का नाम क्लास है कि कुछ और है, यस इट इज़ क्लास ओनली, तो कह रहा है कि मिनिमम परसेंटेज सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ आप निकालिए। तो यहाँ मैं क्लास अगर सेलेक्ट करता हूँ तब भी ठीक है, नहीं करता हूँ तब भी ठीक है, वो टेंथ क्लास का ही आएगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्लास इक्वल टू 10th दे रहा, दैट मीन्स 10th क्लास का ही ये मिनिमम परसेंटेज निकाल रहा है। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन, ए बी सी पार्ट, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37 डन। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 3 शुरू हो जाता है, जिसमें 38 का ये ए पार्ट दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पैंडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम पॉपुलेशन फ्रॉम अ डिक्शनरी। ये आपको बनाना है, पॉपुलेशन नाम का ये डेटा फ्रेम है और इसे डिक्शनरी से क्रिएट करना है, जिसमें इंडेक्सेस क्या है, यहाँ पर देखिए इंडेक्सेस ITES GR FR और PO, ये इंडेक्स हैं रो के, और कॉलम्स कंट्री पॉपुलेशन और परसेंट है आप दिया हुआ यहाँ पर। तो इसके थ्रू आप ये क्रिएशन करेंगे, ए पार्ट में क्रिएशन ऑफ द डेटा फ्रेम है, इस पर मार्क्स हैं, और बी पार्ट में 3 क्वेरीज हैं, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम पर 2 नंबर हुआ। पहला नंबर आपको क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम पर डिक्शनरी क्रिएट करने में मिलेगा, दूसरा आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने में मिल जाएगा। तो आपको अभी सबसे पहले इसमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, और डिक्शनरी कैसे बनाएंगे आइए हम लोग इस प्रोग्राम में कर लेते हैं। सपोज इसी प्रोग्राम में मैं ओवरराइट करता हूँ, इंपोर्ट पैंडास एज PD कर दीजिए, और ये लाइनें मैं ओमिट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। DICT1 इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ से बार बार देखना पड़ेगा IT, इसके बाद इटली 61.083, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इसमें एक एक रो के लिए, ठीक है। IT इंडेक्स हो गया इसका, और इस IT तो आपका इंडेक्स बाद में बनाएंगे, आप कंट्री कंट्री में सारा ये लिस्ट देंगे, पॉपुलेशन एक की बनाएंगे उसमें ये लिस्ट देंगे, परसेंट एक की बनाएंगे उसमें सारी लिस्ट। सो सबसे पहले मैं कंट्री कर लेता हूँ, अब ये कंट्री इसमें स्मॉल लिखा है तो आप स्मॉल लिखिए, इसके बाद कॉलन लगा करके लिस्ट ऑफ वैल्यू, कंट्री में आपका इटली, स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ग्रीस पहले लिखिए, इटली SPIN स्पेन, देन ग्रीस, देयर आफ्टर नेक्स्ट इज फ्रांस एंड पुर्तगाल, फ्रांस
and port val. ये आपकी एक लिस्ट हो गई, की वैल्यू पेयर हो गया एक, ठीक है, इसके स्पेलिंग पी आर टी यू। चलिए नेक्स्ट की यहाँ पर है पॉपुलेशन देन परसेंट। पॉपुलेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, स्मॉल से है, पूरा कंप्लीट स्मॉल है पॉपुलेशन। लिस्ट पॉपुलेशन की 61 46 11 61 46 11 एंड 65 10 10 कॉम। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉलम इज परसेंट 0.83 0.63 परसेंट 0.83 0.63 समथिंग परसेंट 15 88 14 15 88 देन 0.14। कर्ली ब्रैकेट को ये डिक्शनरी बन गए। डेटा फ्रेम का नाम क्या कह रहा है, पॉपुलेशन। सो आई विल राइट पॉपुलेशन एज ए डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में आपने डी आई सी टी वन को पास कर दिया और इसमें इंडेक्स भी है स्पेसिफाई कर दो। इंडेक्स इज इक्वल टू क्या क्या इंडेक्स है यहाँ पर, आई टी ई एस जी आर एफ आर पी ओ, आई टी इटली, ई एस स्पेन, जी आर ग्रीस, एफ आर फ्रांस, पी ओ, ई एस यहाँ पर अलग है बस। चलिए सो कैपिटल में है आई टी जी एस, जी एस नहीं ई एस, ई एस देन जी आर कॉमा एफ आर कॉमा पी ओ। दिस वन ब्रैकेट क्लोज। अब आपका ये बन गया है डाटा फ्रेम, इस पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप देखें डाटा फ्रेम बना कि नहीं बना, राइट। डाटा फ्रेम चेक कर लीजिए पहले, इसको मैं रन करा देता हूँ। और डाटा फ्रेम मैंने प्रिंट नहीं कराया, फिर से इसे प्रिंट कराइए, यहाँ पर प्रिंट करा के देख लें, प्रिंट कैपिटल में हो गया। पॉपुलेशन ये डाटा फ्रेम एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब सवाल उठता है कि हम इसमें क्या करना है, हमें, हम लोग वही प्रॉम्प्ट पर ही कर लेते हैं इसकी कोडिंग बची हुई हर कमांड की अलग से। डिस्प्ले द कॉलम कंट्री एंड पॉपुलेशन, कंट्री और पॉपुलेशन कॉलम आपको डिस्प्ले करना है। तो मैं लिखूंगा क्या, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन डाटा फ्रेम का नाम लिख रहा हूँ जहाँ आप डी एफ लिखते थे, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ऐसे कंट्री लिखेंगे यू यू एन टी आर वाई कॉमा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कॉलम भी है, पॉपुलेशन डेटा फ्रेम का नाम भी है, रिमेंबर। तो ये आपका कंट्री और पॉपुलेशन डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर इंडेक्स तो आएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो,
population dot loc, इसके बाद all columns, all rows, but columns जो हैं वो आपके आ जाएंगे country and population, ये दोनों columns मैंने यहाँ place कर दिया, the same answer you will get. तो चाहे ये command आप लिख दीजिए print के साथ लिख देना, चाहे ये लिख देना, क्योंकि आप लिख रहे हैं किस पर, आईडीएली पर, तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको प्रिंट लिखना चाहिए एज पर माई व्यू. तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोई एक कमेंट ये सिंपल आप कॉपी करके प्रोग्राम में डाल देता हूँ, जिससे इधर प्रोग्राम भी आपका तैयार होता रहेगा. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, इसमें डिस्प्ले ऑल रूल्स वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 40. तो ये कंडीशनल क्वेरी है, जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 40 है उसे आपको डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप चले जाइए, कंडीशन लिखते हैं हम लोग, पी ओ पी यू एल ए पी आई एन पॉपुलेशन डॉट एल ओ सी ब्रैकेट में पॉपुलेशन, ये डाटा फ्रेम का नाम हो गया, डॉट पॉपुलेशन ये कॉलम का नाम आप लिख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मोर देन 40. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर मोर देन 40. सो जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 40 है वो यहाँ पर डाटा डिस्प्ले हो रहा है, आगे आप प्रिंट लगा दीजिएगा. ठीक है, हियर यू कैन राइट प्रिंट. तो यहाँ पर प्रिंट हम लोग कर देंगे, कंट्रोल सी, इसे भी मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में, और सामने मैं इन दोनों कमांड्स में प्रिंट लगा दूंगा. सिंस वी आर राइटिंग इन स्क्रिप्ट, आई मीन स्क्रिप्ट मोड में आप लिख रहे हैं, इसलिए सामने आपको प्रिंट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगी स्क्रिप्ट मोड में जब मैं इसे रन कराऊंगा एक साथ. तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिलीट द लास्ट टू रोज, आखिरी की दो रो आपको डिलीट करनी है. आखिरी की दो रो कौन सी हैं, एक तो ये तीन है और चार है. ठीक है, इनको डिलीट करनी है. इनको डिलीट करने के लिए आप कैसे डिलीट करेंगे, ड्रॉप, या तो आप 3, 4 इसका इंडेक्स लिखें, इसका इंडेक्स लिखें. तो इसे डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे. लास्ट टू रोज बता रहा है डिलीट करने के लिए, इन पर तो पोजिशनल इंडेक्स है नहीं, इन पर तो इंडेक्स लेबल लग चुके हैं एफ आर और पी ओ को आप डिलीट करना चाहते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिखो एफ आर और पी ओ, या तो इसे स्पेसिफाई करो कि इंडेक्स नंबर 3 और 4 जो लास्ट के इंडेक्स हैं उसको डिलीट करने के लिए. तो हम लोग दोनों मेथड से करके इसे देख लेते हैं. यहाँ पर इसको मैंने रन करा दिया, तो मेरा ये पॉपुलेशन डेटा फ्रेम का ये डिस्प्ले हो गया है. हाँ ठीक है, और अब हम प्रिंट करते हैं इसको, सॉरी प्रिंट नहीं डिलीट करते हैं. तो एक तो आप चाहे इसको डिलीट करने के लिए पॉपुलेशन डॉट इंडेक्स 3, आपका ये इंडेक्स 3 होगा और ये होगा इंडेक्स 4, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हैं. एक तो ये देखिए, हमने टेम्पररी डिलीशन किया, अभी परमानेंट डिलीशन नहीं किया है. पॉपुलेशन में अभी भी ये पांचों रो एग्जिस्ट करती हैं, ये टेम्पररीली एफ आर और पी ओ डिलीट हुआ है. और या तो आप इसको सिंपली ऐसा करें कि यहाँ पर लिख दें एफ आर और पी ओ दोनों के इंडेक्स लेबल्स एफ आर एंड पी ओ कॉमा पी ओ.
इस तरह से आप डिलीट कर सकते, दिस इज ऑल्सो टेम्प्रोरी डिलीशन, इसमें से एफ आर और पी ओ खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आप परमानेंट डिलीशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट हियर कॉमा इन प्लेस पैरामीटर इन प्लेस आर्ग्यूमेंट इक्वल टू ट्रू लिखेंगे, या आप पॉपुलेशन में ओवर राइटिंग करेंगे, पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन, तो ये कमांड लिख देने से वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है लाइक दिस। अब आप पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन हैज़ बीन अपडेटेड विथ थ्री रोज ओनली लाइक दिस। तो यू कैन राइट दिस कमांड ऑल्सो एज वेल एज, ये करने के बाद आप पॉपुलेशन को प्रिंट करके देख सकते हैं। और दूसरी कमांड आपकी मैंने यहाँ से अभी दिखाई थी, सेकेंड कमांड इज बाय स्पेसिफाइंग द रो इंडेक्स लेबल्स, ये रो इंडेक्स लेबल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ये वाला, तो आइदर दिस और दिस, ये दोनों वही काम करेंगे। एक को मैं कमेंट बना देता हूँ, आप जान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 39th क्वेश्चन है, जिसमें एसक्यूएल फंक्शंस पर आपको काम करना है। तो एसक्यूएल फंक्शंस क्या क्या करना है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक डे फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए वीक डे का डे निकालना है, नेम ऑफ द डे। तो कैसे लिखोगे आप ये कमांड, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेलेक्ट डे नेम, फंक्शन है इसके लिए आप जानते हैं, डे नेम ऑफ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1994 बॉर्न है, 12 मंथ एंड डेट इज 23, तो इसका जो है MMYYYY-MM-DD के फॉर्मेट में लिख करके सेमी कॉलन लगा देंगे, तो इट विल रिटर्न योर डे नेम फॉर दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट ईमेल आईडी टू लोअर केस, इसके लिए आप लोअर फंक्शन या एल केस फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ईमेल आईडी को आप लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल राइट लोअर या एल केस और ब्रैकेट में कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए ABC, सपोज ABC ऐसा कुछ लिख दिया, 123@gmail.com लाइक दिस, इफ इट इज रिटन सो इट विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू, चाहे डबल कोट में लिखो या सिंगल कोट में लिखो चलेगा MySQL में, तो ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, आपके नाम में कितने कैरेक्टर हैं वो आपको काउंट करना है, तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट लेंथ फंक्शन आपने यूज़ किया होगा MySQL में, लेंथ ऑफ नाम आपने लिख दिया और सेमी कॉलन, इसमें फ्रॉम नहीं होता डायरेक्ट डेटा में, फ्रॉम लिखना भी चाहते हैं फ्रॉम डुएल लिख सकते हैं डमी टेबल का नाम। इसके बाद टू डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम, अपने नाम का पहला कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करना है, सो यू विल राइट सेलेक्ट लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर आपके नाम का, नाम मान लीजिए ये है और इसका पहला कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से एक कैरेक्टर, ये चॉपिंग करके आपको एस रिटर्न कर देगा, शुभेंदु का एस लेफ्ट हैंड साइड से पहला कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लेंथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 रिटर्न करेगा 8। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द क्लास, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आपको निकालना है। अब वो कौन सी टेबल नेम है, इट इज नॉट गिवन, तो यू विल राइट सेलेक्ट ABG ऑफ
क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द क्लास. सो एवरेज ऑफ मार्क्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पूरी क्लास का. तो फ्रॉम, अब टेबल का नाम ही नहीं पता है, मैं क्लास लिख देता हूँ. चलिए ठीक है, लाइक दिस. तो ये इसमें टेबल का नाम देना चाहिए था, किस क्लास का कौन सी टेबल है. एवरेज मार्क्स निकालने के लिए मार्क्स तो कॉलम होगा किसी का, इसलिए यहाँ मार्क्स लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम पार्टिकुलर क्लास. तो एक टेबल का नाम चाहिए यहाँ पर. ओके, नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से लिख देंगे तब भी सही है. ऐसे केस में आप सिलेक्ट एवरेज मार्क्स लिखेंगे तब भी सही होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनर ने यहाँ पर टेबल का नाम नहीं दिया हुआ है. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39 डन. ये 39th क्वेश्चन हो गया. इसके बाद और में एक टेबल पर ये कुछ पूछे गए हैं, चाहे वो कीजिए चाहे ये वाला कीजिए. तो इसमें भी इसी तरह से फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं. डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द आइटम नेम. पहले 3 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करना आइटम नेम में से. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं. मैं यहाँ पर जगह है तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में. फर्स्ट 3 कैरेक्टर के लिए क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट लेफ्ट 3 कैरेक्टर्स किस में से, आइटम नेम से. आइटम नेम कॉलम का नाम है, कॉमा थ्री फ्रॉम टेबल का नाम लिख दीजिए, फ्रॉम आइटम सेम को. तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ चला गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है. डिस्प्ले द मंथ नेम फ्रॉम द स्टॉक डेट. स्टॉक डेट से आपको मंथ का नाम देना है, ठीक है. इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है मंथ नेम के लिए, नेम ऑफ द मंथ. आप सो यहाँ पर आप मंथ नेम फंक्शन का यूज कर लेंगे. मंथ नेम फंक्शन का यूज कर देता हूँ मैं यहाँ पर. कैसे करेंगे, सेलेक्ट MONTH मंथ नेम ऑफ किसका, स्टॉक डेट, STOCK स्टॉक डेट फ्रॉम आइटम सेमीकोलन. राइट, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और थिन कर देता हूँ. मंथ नेम फंक्शन, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द होल स्टॉक. पूरे स्टॉक का टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, इसका सम करना है. सम फंक्शन लगा दीजिए यहाँ पर. सो वी विल यूज सम फंक्शन है यार. सम कैसे लगाएंगे, देखिए, सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम आइटम सेमीकोलन. नेक्स्ट, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द स्टॉक. पूरे स्टॉक का एवरेज प्राइस निकालना है. एवीजी फंक्शन लगा दीजिए, सेलेक्ट एवीजी ऑफ प्राइस फ्रॉम स्टॉक, आई मीन आइटम. ये हो गया, डिस्प्ले ऑल द प्राइस राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट राउंड ऑफ प्राइस कॉमा 2 फ्रॉम आइटम सेमीकोलन. सो ये इसकी कमांड हो गई, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना था ये वाला, और या तो आपको ये करना था, इसका भी मैंने सॉल्व कर दिया. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर,
ये पेपर आपको मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ, हालांकि इस बार टर्मिनल वन में पैंडास ही आएगा, पैंडास और डेटा विजुलाइजेशन आएगा जिसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, लेकिन ये डीप नॉलेज होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और डीप नॉलेज के लिए आपको हर चीज़ आनी चाहिए अच्छे से। इसमें बहुत सारे आपने पैंडास सीरीज और पैंडास डेटा फ्रेम पर क्वेश्चन पढ़े और डाटा विजुलाइजेशन पर भी पढ़े, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको काम आ जाएं, और स्पेशली ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है उनके लिए, वो लोग इससे टैली करके आप देख सकते हैं कि वेदर दे आर गेटिंग गुड मार्क्स और नॉट, ठीक है, उनका जो स्कोर है वो क्या आएगा। ए बी सी आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली हैज़ डिफरेंट विंग्स एज शोन इन द डायग्राम, ये उसके ए बी सी इंटरनेशनल स्कूल का नाम ले लिया है, और ये कई विंग्स हैं यहाँ पर, W1, W2, W3, W4, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, प्राइमरी विंग है, सेकेंडरी विंग है, मिडिल विंग है, तो ये सारी विंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं स्कूल के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। W3 से W1 70 मीटर, W1 से W2 40 मीटर, W2 से W4 15 मीटर, ये डिस्टेंसेस दी हुई हैं हर विंग के बीच में। तो W3 से W1, W3 टू W1 70 मीटर, W1 से W2 40 मीटर, और W2 से W4 ये 15 मीटर 15 मीटर के डिस्टेंस है, आप इसको याद रखिए, और बाकी डायरेक्ट डिस्टेंस दी गई 100 मीटर 120 मीटर एंड 70 मीटर। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, विंग वन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 125 कंप्यूटर लगे हैं, W2 में 40, W3 में 42, W4 में 60, इसके बेसिस पर यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जवाब दीजिए। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर एबव कनेक्शन, मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट में ये ध्यान रखना होता है कम से कम केबल लगे और कनेक्शन अच्छा रहे, तो यहाँ पर आप देखिए कम से कम केबल का जो स्ट्रक्चर है यही है, 70 मीटर 40 मीटर और 15 मीटर, अगर आप इसको इससे जोड़ेंगे W2 को W3 से तो इस डिस्टेंस बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, W2 को W3 से 120 मीटर हो जाता है, तो वहीं पर सारी केबल की लेंथ लग गई, राइट। या W1 को W4 से आप जोड़ना चाहते हैं, W1 फ्रॉम W4 80 मीटर डिस्टेंस है, तो सबसे कम केबल लेंथ लगने का स्ट्रक्चर ये ठीक है, 70 मीटर 40 मीटर 15 मीटर, 110 प्लस 15 कितना हो गया 125 मीटर आपकी केबल लगेगी, तो दिस इज द सुटेबल केबल लेआउट। ओके, W1 से W3 को कनेक्ट कर दो, W1 से W2 को और W2 को W4 से कनेक्शन दे दिया जाए। ओके, सो दैट इज द बेस्ट लेआउट। इन विच विंग वुड यू प्लेस द सर्वर, सर्वर उस विंग में रखा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर विंग वन में है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में ही हम लोग सर्वर लगाएंगे, ठीक है, ये आप जान लीजिए। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर सेलेक्शन, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर केप्ट इन द विंग W1 एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, इसलिए देयरफॉर वी विल प्लेस द सर्वर ओवर देयर। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली छोटी एरिया के लिए कन्फाइंड है तो ये लैन नेटवर्क हो जाएगा, मैन नहीं होगा, वैन नहीं होगा, ये बड़े नेटवर्क्स हैं रेंज वाइज एरिया वाइज ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, तो लैन इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। फॉर कनेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव विंग टू मिडल विंग, तो मिडल विंग को एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से कनेक्ट करने के लिए, मिडल विंग को इससे कनेक्ट करने के लिए किस तरह का नेटवर्क बनेगा, ऑब्वियसली लैन बनेगा, 70 मीटर की डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, रिपीटर, रिपीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपीटर अगर डिस्टेंस 100 या 100 से ज़्यादा मीटर हो जाए तो हमें रिपीटर जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आप देखें 70 मीटर है 40 मीटर है 15 मीटर है, तो रिपीटर की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, सिग्नल ब्रेक नहीं होंगे, सिग्नल अप्रोप्रिएट पहुँचेंगे दूसरे विंग तक। और स्विच और हब की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ऑब्वियसली हर विंग में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं तो उन कंप्यूटर्स को एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे हब या स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी 120 कंप्यूटर लगे हैं इस बिल्डिंग में भी, इस बिल्डिंग में सभी सभी विंग्स में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 40 कंप्यूटर 42 कंप्यूटर 60 कंप्यूटर 125 कंप्यूटर,
कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए केबल्स की ज़रूरत होती है, और केबल्स जो है स्विच या हब में ही डाले जाते हैं पोर्ट्स में। तो ऑब्वियसली स्विच एंड हब इज़ रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी विंग। इसका लास्ट पार्ट है, देयर इज़ वन मोर ब्रांच, ABC इंटरनेशनल स्कूल मसूरी। द स्कूल वॉन्ट्स टू लिंक ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली विद ABC इंटरनेशनल स्कूल मसूरी। सजेस्ट द सॉफ्टवेयर और एप्स टू शेयर द फाइल्स एंड वीडियो। ठीक है, फाइल्स और वीडियो शेयर करने के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट में मैसेज इंस्टेंटली आपको भेजना है तो व्हाट्सएप बहुत अच्छा मीडियम है, यूट्यूब अच्छा मीडियम है। अगर आपको लाइव शेयर करना है तो आप गूगल मीट ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर शेयर करने के लिए कह रहा है, तो शेयरिंग व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाएगी, आप फेसबुक पर भी शेयरिंग हो जाएगी, टेलीग्राम में शेयरिंग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक ये आंसर्स हैं। सो दीज आर द वेरियस एप्स थ्रू विच द फाइल्स एंड वीडियोज़ कैन बी शेयर्ड फ्रॉम ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली टू ABC इंटरनेशनल स्कूल मसूरी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे अपने पेपर में, और ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते थे। अभी तो ये पेपर हो गया है, अभी टर्म वन जो 21-22 का आने वाला है वो तो MCQ होगा, तो इसको भी आप पढ़ लेना। अभी इसमें से सिलेबस में नहीं है नेटवर्किंग टॉपोलॉजी मॉडर्न गेटवे, ये वाला पार्ट आपका सेकंड उसमें है, तो इस तरह की थ्योरी के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जा सकते हैं, जो आपका टर्म टू होगा नेटवर्किंग है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका कमिंग टर्म टू में ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो इस तरह से जैसा कि आपने सोचा था कि भाई हमें कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है, मैंने कोशिश की है पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके आपको दिखाएं। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये पेपर आपको सॉल्व करके दिखाया, जो अभी अगस्त में हुआ था आपका इम्प्रूवमेंट पेपर IP का 2021 का। जिन बच्चों ने भी ये पेपर दिया है उनके लिए ये समझने में आसानी हो जाएगा, और अपने मार्क्स को खुद ही इवेल्युएट कर सकते हैं कि उन्हें लगभग कितना नंबर मिलने वाला है इस पेपर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करना ना शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आसानी से पहुंच सके, और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।